स्टूडेंट्स, मैं रमेश कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभ्यास ट्यूटोरियल्स में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग फिजिक्स स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने पहला टॉपिक चूज किया था वो हमारा था लाइट। तो लाइट में हमने कुछ चीज़ों को सीख लिया था, लाइक उसकी स्टडी को और उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होते हैं, उसका जो डेफिनेशन होता है वो हमने कल समझ लिया था। और उसके आगे हमने बताया था कि जो लाइट होता है उसका जो रिफ्लेक्शन होता है मिरर पे, तीन तरीके के मिरर से होता है। तो उसमें हमने देखो रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों अलग चीज़ें, तो हम अभी रिफ्लेक्शन पर ही काम करें। तो रिफ्लेक्शन तीन तरीके से मिरर पे होता है, मतलब हमें पास थ्री टाइप्स के मिरर होते हैं, उस पर सब पर अलग अलग होता है। तो पहला हमारा होता था स्फेरिकल मिरर, दूसरा कॉनकेव मिरर और तीसरा हमारा था कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने इस स्फेरिकल मिरर में कल किस तरीके से लाइट का रिफ्लेक्शन होता था उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसमें हमने इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने देखा था कि उसके जो रिफ्लेक्शन के दो लॉ है वो किस तरीके से होती है। तो हमने उसमें बताया था कि उसके दोनों एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होते थे, और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है नॉर्मल रे होता है, और इंसिडेंट होता है नॉर्मल। देखो वो हमारा कोई रे नहीं होता, हम उसको एक क्या करते हैं, कल्पना करते, हमारे कल्पना मात्र है, वो कोई होता नहीं, वास्तव में कोई रे ऐसा होता नहीं। तो पहला लॉ था कि हमारे दो जो एंगल बनता था इक्वल होता है, और दूसरा हमने बताया था कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या थे, एक ही पॉइंट पे आकर मीट करते थे, और उस पॉइंट को हमने क्या बोलता था, इंसिडेंट पॉइंट उसको बोलते हैं। आज हम उसके आगे बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ कॉनकेव मिरर। बट उसको पढ़ने से पहले हम उसके कुछ बेसिक टर्म हैं उसको जानना जरूरी है, तभी हमें क्या होगा रिफ्लेक्शन ऑफ मतलब कॉनकेव मिरर पे लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, इमेज कैसे शो होता है, ये सब समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले उसके कुछ बेसिक टर्म के बारे में जानने। सम बेसिक टर्म, तो हमें पता है जैसे कि हमारे पास देखो जैसे इस तरीके से हमने एक मिरर बना दिया है और एक इस तरीके से हमने बना दिया है, ये हमारे पास दो मिरर है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब हमारा लाइट का रिफ्लेक्शन, ये जो हमारा मिरर है, अगर एक देखो लाइट क्या है, एक क्यूब की तरह है, गुफा की तरह, समझ में आया ना। तो अगर लाइट का रिफ्लेक्शन इसके क्या होगा, इस गुफा वाले मतलब कि अंदर वाले भाग से लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, मतलब ये लाइट किसी सोर्स से जाता है और इसके जो ये अंदर वाले भाग है उससे हमारा लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो जब किसी मिरर पे मतलब ऐसा मिरर जिस पे लाइट का रिफ्लेक्शन उसके अंदर वाले भाग से होगा, तो उस मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। जब लाइट का रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, अंदर वाले भाग से होगा, तो हमारा क्या होगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। और दूसरा जो हमारा है इस तरीके से, मान लेते हैं हमारे इसको अगर हम अंदर वाले पे क्या करते हैं, पेंटिंग कर देते हैं, तो हमने बताया था इस किस चीज़ का पेंटिंग होता है। अगर कल आप हमारा वीडियो देखे होंगे तो उसमें हमने बताया था कि पेंटिंग किसका होता है। तो जब हम इसके अंदर वाले पार्ट पे क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा इसके ऊपर वाले पार्ट से होगा इस तरीके से। तो इस तरीके से अगर रिफ्लेक्शन होगा मतलब अंदर वाले से होगा तो कौन के, अगर ऊपर वाले पार्ट से अगर हमारे लाइट का रिफ्लेक्शन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब एक चीज़ और समझते हैं, अब हम इसके बेसिक टर्म के बारे में जानते हैं कि इसके बेसिक टर्म क्या होगा। तो जैसे देखो आप लोग पढ़े होंगे मैथ में कि जो ये सर्कल एक होता है, सर्कल के बीच में हमारा क्या होता है, एक सेंटर होता है, सेंटर और ये सर्कमफ्रेंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। फिर से समझना, मैं क्या बताया कि जो सर्कल होता है, सर्कल का जो पेरीमीटर होता है उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं,
और इसका जो मिड पॉइंट होता, मिड पॉइंट नहीं, जो ए सेंटर होता है जिस पर हम, हमारे पास जो ए कंपास होता है उसको हम रखकर एक सर्कल बनाते हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। इस ओ वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। और सेंटर से इस जो सर्कमफेरेंस, इसके बीच, इसके किसी भी पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। इतना आप लोग पढ़े होंगे। तो जो बेसिक टर्म है हमारा, इसी पे थोड़ा फोकस है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर हमारा जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, हम जितने भी बात करेंगे वो हमारा सब कॉनकेव मिरर होगा। कॉनकेव मिरर के बेस पे ही बात करेंगे। तो हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम एक कॉनकेव मिरर बना दें, इस तरीके से हमने एक कॉनकेव मिरर बना दिया, तो अब हम देखेंगे कि जो कॉनकेव मिरर होता है, जैसे हम हमारे पास एक सर्कल है, अगर हम इतना कट कर देते हैं तो ए जो हमारा होगा ए इसको इरेज कर देते हैं, तो यही जो हमारा बनता है कॉनकेव मिरर हो जाता है अगर हम इसको ऊपर इस तरीके से पेंटिंग कर देते हैं। तो हमें पता है कि ये क्या, एक सर्कल का पार्ट है। तो ये इसका जो, ये तो इसके जो सेंटर होगा, इस सेंटर को हम क्या बोल देंगे, ये जो सेंटर होता है इसको हम मान लेते हैं हमारा ओ है, तो इस सेंटर को हम क्या बोल देंगे, जो हमारा सेंटर है मतलब ए, जिस भी मतलब जिस भी स्फीयर का, जिस भी सर्कल का ये पार्ट होगा हमारा जो कॉनकेव मिरर, जिस सर्कल का पार्ट होगा उसके सेंटर को, ये हमारा ओ है, इस ओ को हम क्या बोल देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कि जब हमारा मिरर बनता है, जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, उस कॉनकेव मिरर के सर्कल का जो सेंटर होता है उसको हम बोल देंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइक ओ, ओ हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो हमारा मिरर है, ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है, इस कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, इसको हम नाम दे देते हैं पी। तो किसी, ये जो हमारा सर्कल है, सॉरी ये जो हमारा मिरर है, कॉनकेव मिरर, इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट हमने क्या ले लिया, पी। इस मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलेंगे, पोल। ये हमारा क्या होता है, पोल। जो हमारा सेंटर होता है, अरे जो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, इसके मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल। अब हम ए सेंटर को, पोल को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो अभी मैंने बताया कि सर्कल, ए सर्कमफ्रेंस और सेंटर के बीच के का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है टोटल, ये टोटल हमारा जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा, जो कैपिटल आर हमारा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। गॉट इट। एक बार फिर से समझ लेते हैं। तो हमने बताया कि जो हमारा कॉनकेव मिरर क्या होता है, मतलब कि जब लाइट का रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर वाले भाग से होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। अब ये कॉनकेव मिरर हमारा क्या होता है, एक सर्कल का पार्ट होता है, और सर्कल का जो एज जो सेंटर होता है वो हमारा, वो सर्कल का जो सेंटर होता है उस सेंटर को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर इस जो हमारा एक कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, जो मध्य बिंदु होगा, सबसे बीच वाला पॉइंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। और हम अगर इस पोल को इसके इसके सेंटर को इसके पोल से मिला देते हैं, मतलब मिला देते हैं, फिर इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसको मिला दिया, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, अब बात एक हमारा टॉप इसमें है टर्म फोकल, फोकस, या इस ए हमारा क्या हो जाएगा, एक फोकस होता है और एक हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। तो हम बात करते हैं पहले फोकस पे, तो फोकस को ध्यान समझते हैं। अब ऐसे तो हमें, वैसे हम लोग पढ़े हैं कि जब भी कोई रे होता है, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलता है, जैसे हमने ये हमारा एक इस तरीके से लाइनिंग ड्रॉ कर देते हैं, ये हमारा एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसको हम बोलते हैं ए बी, इसका नाम दे देते हैं इस लाइनिंग का,
ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो ये हमारा जब भी कोई रे ऑफ लाइट क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलता है। अभी तो हमने बना दिया ऐसे, तो अभी हमने प्रिंसिपल एक्सिस बारे में कोई चर्चा नहीं की, हमने बताया नहीं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। बट अगर अगर हमें पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर इस तरीके से कोई लाइन क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन क्या करता है इस मिरर की तरफ जाता है, तो मिरर से टकरा कर जिस पॉइंट से होकर जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं फोकस। हमने क्या बताया कि जब हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसके पैरेलल अगर कोई लाइट का जा रहा है, तो इस मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट से होकर निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं फोकस। बट हमें यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस को छोड़ देते हैं, तो फिर हम कैसे डेफिनेशन लिख सकते हैं। जैसे देखो हम बना देते हैं यहाँ पे, ये हो गया इसका जो मिड, यहाँ पे हमारे ए इसका क्या हो गया सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ, और इसके बाद इसका जो मिड पॉइंट हो गया ये हमारा हो गया पोल, और इसके बीच का जो डिस्टेंस हो गया इसको हमने क्या बोल दिया था रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कैपिटल आर, इतना हो गया। अब हम ये पता करते हैं फोकस, मान लेते सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं है। तो देखो क्या होता है कि एक जो लाइट ए रे ऑफ लाइट है इधर से जाएगा इस तरीके से और इससे टकराएगा, फिर ऐसे निकल जाएगा, फिर दूसरी है एक लाइट इस तरीके से हम नीचे से भी लेकर जाते हैं फिर इससे टकराता है, टकराने के बाद ए इस तरीके से ऊपर चला जाता है। तो ए जो दोनों इंसिडेंट रे हैं आने वाले रे को हम क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे। तो जो इंसिडेंट रे होते हैं रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर क्या करते हैं मीट करते हैं, जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं फोकस बोलते हैं। फिर से हमने क्या बताया कि ये दो इंसिडेंट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे कॉनकेव मिरर से, मतलब दो इंसिडेंट रे जब कॉनकेव मिरर पे से टकराते हैं और रिफ्लेक्ट होते हैं, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे क्या करते हैं मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं फोकस। ये हमारे क्या हो गया जो हमारे पॉइंट है ये दोनों मीट किए, मान ले तो पॉइंट हमारा क्या है एफ है, तो इस एफ को हम क्या बोलेंगे एफ हमारा क्या हो जाएगा फोकस, एफ क्या हो जाएगा फोकस। हमने क्या बताया कि जब दो इंसिडेंट रे क्या करते हैं जब दो इंसिडेंट रे आते हैं और इस मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट पर एक दूसरे को पर कट करते हैं या जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं फोकस। अब इसके बाद एक हमने क्या बताया फोकल लेंथ। तो देखो ये हमारा क्या हो गया फोकस हो गया यानी एफ, और लाइट में सभी डिस्टेंस को हम कहाँ से मेजर करते हैं पोल से, कहाँ से मेजर करते हैं पोल से, जो भी डिस्टेंस होता है हम सबको पोल से मेजर करते हैं। तो ए हो गया हमारा पोल और ये हो गया फोकस, तो पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है कौन पी एफ, क्या है पी एफ, इसको हम क्या बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं फोकस लेंथ, फोकल लेंथ, फोकस लेंथ या फोकल लेंथ, गॉट इट, समझना। फिर से हमने क्या बताया फोकस के बारे में, एक बार स्टार्टिंग से चलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमने बोला है कि जो हमारा ये जो मिरर जिस भी सर्कल का पार्ट होता है उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो हमारा मिरर है कॉनकेव मिरर इस यह जिस सर्कल का पार्ट होगा उस सर्कल के सेंटर को हम क्या बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमने क्या बोला पोल, तो हमारे पास जो मिरर है कॉनकेव मिरर उसके उसका जो मिड पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे पोल, और इसके बाद हमारा क्या है रेडियस। तो हमने बताया कि पोल और इस सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ए सेंटर ऑफ कर्वेचर इट्स कॉल्ड क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर उसके बाद फोकस हमने क्या बताया कि जब दो पैरेलल लाइन
जो प्रिंसिपल ए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, या फिर हमने क्या बताया कि मान लो प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है तो दो जो दो ए रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन ए विद कॉनकेव मिरर, मतलब कि ए जो ए इस जो निकलेगा हमारे यहाँ से रे इसे मिरर से टकराएगा, टकराने के बाद जहाँ पे मीट करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। और पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। गट इट, इतना पॉइंट आप लोग समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इरेज करते हैं इसको। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि हम अभी कॉनकेव मिरर पे ही बात कर रहे हैं, तो हमारा पूरा फोकस किस पे रहना चाहिए, केवल कॉनकेव मिरर पे। इन्हीं के हम पढ़ा तो रहे हैं कॉनकेव, तो दिमाग में चल रहा है यार कॉन्वेक्स में क्या होगा, ए इसके बाद ए होगा, ऐसे होगा, फिर चले गए हम इंस्ट्रूमेंट की तरफ, चले गए डीडीज ए डीजीज की तरफ, फिर आगे लेंस की तरफ। नहीं, तो सब पढ़ने का तरीका कि हम जिस टाइम जो पढ़े फोकस उसी पर आना चाहिए। अगर हम उसके आगे का सोचेंगे तो वो सोचते सोचते हम आगे निकल जाएंगे, ए वाला भी चला गया, मे भी हो सकता है बाद में रिवाइंड करके देख लेंगे, बट एक बार अगर अच्छे से देख लेंगे तो दूसरा देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। तो हमेशा ध्यान रखेंगे पढ़ते समय हम जिस चीज़ को पढ़ें जिस टाइम हमारा फोकस उसी पे ही रहना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं रिफ्लेक्स ए कॉनकेव मिरर पर लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है। तो पहला हमारे पास होता है, ये तीन तरीके से होता है। तो पहला हम देखते ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर हो गया, हमने इस तरीके से एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया और ए हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ए बी। ये जो मिरर हो गया इसके मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, और इसका जो सेंटर होता है वो हो गया, इसके बाद हमने ए ओ हो गया, और इसका हमने बोला कि ए इसके बाद रिफ्लेक्शन के बाद जो दो रे आपस में एक दूसरे को कट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। इस तरीके से हमने चीज़ों को ड्रॉ कर दिया। तो पहला जो रिफ्लेक्शन होता है, पहला जो रिफ्लेक्शन होता है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले, जब भी कोई रे ऑफ लाइट कैसे चले, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इस तरीके से जब कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले तो ये ऑलवेज कहाँ से होकर जाता है, फोकस से। ये पहला चीज़ ध्यान रखना रिफ्लेक्शन का। अगर हमें इमेज ड्रॉ करना है, रे डायग्राम बनाना है, किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हमें दे देता है, तो हमें ये जो तीन लॉ है हमारे दिमाग में एकदम रहने चाहिए अच्छे से। तो हमने पहला चीज़ क्या बताया कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल चलेगा। ये हमारा ए बी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा, जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा तो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद वो कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। ये पहला चीज़ है। दूसरा, पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से। चलो दूसरा हम देखते हैं, ए बी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब हम इस पर इस तरीके से अपना कॉनकेव मिरर रख देते हैं, इसका जो मिड पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, पोल, इसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं, ओ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे हमारा जो इसका मिड पॉइंट हो जाता है वो हमारा क्या होता है, फोकस, ए हो गया। तो दूसरा जो लॉ होता है हमारा कि जब भी कोई रे कहाँ से होकर जाएगा, इस तरीके से फोकस से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। जब कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से। तो इस ये जो हमारा कॉनकेव मिरर है इससे टकराने के बाद ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हमने क्या बताया
दूसरा फिर समझेंगे कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से होकर जाएगा, फोकस होकर जाएगा। जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर जाएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल। दूसरा हो गया। तीसरा लॉ हम समझते हैं, थर्ड लॉ। तो सेम चीज़ों को क्या करते हैं, बना देते हैं। ये हमारा ए बी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और इस पे हमने ये अपना कॉनकेव मिरर रख दिया। कॉनकेव मिरर रखने के बाद ये हमारा क्या हो गया, पोल हो गया। इधर हमारा सेंटर हो गया ओ, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, फोकस। सेंटर ओ या इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बुक में आप लोगों की सी है तो इसको हम जो ओ है हम उसको सी बना देते हैं। चलो तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो थर्ड लॉ इसका है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है, जब कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो जो हमारा कॉनकेव मिरर है इस कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद उसी पाथ पे, सेम पाथ पर क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। जिस पाथ से होकर आता है रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ से क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। तो ये हमारे थ्री लॉ है, इसी के बेसिस पे हमारे जो रे डायग्राम है वो बनेंगे। एक बार फिर से समझ लेते हैं तीनों को। तो पहला हमने क्या बताया कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगा तो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद कहाँ से निकलेगा, फोकस से। दूसरा हमने क्या बताया कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जब दो लाइन एक साथ चलती हैं और वो एक दूसरे को आपस में के मीट नहीं करते, वो एक दूसरे के पाथ को कभी काटती नहीं है, वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही चलते लेकिन आपस में कहीं भी मिलती नहीं है, तो होता है हमारा पैरेलल। तो दूसरा हमने क्या बताया कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट होता है अगर वो फोकस से होकर जाता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। फिर हमने थर्ड क्या बताया है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से होकर जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से होकर जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पे क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। तो आप लोग ये जो हमने उसके कुछ बेसिक टर्म बताए हैं, पोल स्टार्टिंग चलेंगे, पहले हमारा कहता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फिर फोकस, फिर फोकल लेंथ, उसको क्या कर लेना अच्छे से समझ लेना। फिर इसके बाद इसके तीनों लॉ को इसको ध्यान रख लेना, अच्छे से पढ़ लेना। इसके आगे का जो हमारा रे डायग्राम है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।